अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी सा, ये है नूडलिज़ा, मतलब नूडल्स और पिज़्ज़ा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नूडलिज़ा मैं बना रही हूँ कन्नौर के चटपटा नूडल्स से, जो मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। तो चलें रेसिपी करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ पे 250 ग्राम चिकन ली है और उसको मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिया है। अब मैं एक ये कन्नौर का छोटू पैकेट खोलती हूँ और इसका ये टेस्ट मेकर ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने एक टेस्ट मेकर डाल दिया है और ये दूसरा भी डाल दिया है। दो टेस्ट मेकर मैंने डाल दिए हैं चिकन में। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि कन्नौर के जो नूडल्स का चटपटा नूडल्स का टेस्ट मेकर इसमें डाला है, उसमें हमें बहुत ज़बरदस्त से स्पाइसेस मिल गए हैं और अब हम इसको बनाएंगे। मैंने यहाँ पे पैन में ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें मैं सारी चिकन डाल देती हूँ। अब मैंने सारी चिकन पैन में डाल दी है और अब ये 5 मिनट तक मैं इसको छोड़ूंगी कि इसका पानी अच्छे से निकल आए। और ये पानी अच्छी तरह निकल आया है, अब इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी यहाँ तक कि चिकन गल जाए। अब ये चिकन मेरी तैयार हो गई है, इसको मैं साइड पर रख दूँगी और अब मैं नूडल्स बॉयल करूँगी। छोटू पैकेट मैंने ले लिए हैं 4 कन्नौर के और इनका टेस्ट मेकर अलग निकाल लिया है और इनको बॉईल करके मैं छान लूँगी। अब मैंने यहाँ पे एक पैन में लिया है 1 टेबल स्पून बटर और इसको अच्छी तरह से पूरे पैन में लगा दिया है। नूडल्स जो मैं छान चुकी हूँ वो मैं इसमें डालूँगी। अब ये सारे नूडल्स मैंने पैन में डाल दिए हैं, अब इनको मैं थोड़ा सा फैला लूँगी और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी टेस्ट मेकर जो हमने बचा के रखे थे। ये सारे मैंने इसमें डाल लिए हैं एक प्याली में और अब मैं ये शिफ्ट कर डाल रही हूँ मैं नूडल्स में। इसके साथ मैं डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके मैंने इसको पूरे पैन में फैला दिया है एक राउंड शेप में कि ये पिज़्ज़ा की ब्रेड की शक्ल इख्तियार कर जाए। 10 मिनट के बाद ये देखें नीचे से ये पक गया है, अच्छी तरह से ये हमारा पक गया है। अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के लिए इसके ऊपर प्लेट रख के और एहतियात से इसको पैन को मैं उल्टा करूँगी। ये देखें जी, ये प्लेट पे आ गया है हमारा नूडल्स की, ये हमने पिज़्ज़ा ब्रेड बनाई है। और अब हम मैंने पैन में डाल दिया है 1 टेबल स्पून बटर और इसको अच्छी तरह से मैंने चार तरफ पैन में लगा दिया। और अब ये मैं आराम से नूडल्स को दोबारा से पैन में डाल दूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इसको असेंबल करूँगी पिज़्ज़ा के लिए। सबसे पहले मैं इस पर लगाऊँगी पिज़्ज़ा सॉस और ये पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने बड़ी क्विक तरीके से बनाई है। 1/2 कप जो है मैंने केचप ले लिया है और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून चिली सॉस मिलाया और ये बन गई है क्विक सी पिज़्ज़ा सॉस। ये मैंने लगा दी है इस नूडल्स के पिज़्ज़ा पे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़। मेरे पास है चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, इसको मैं डालूँगी। और चीज़ के बाद अब मैं डालूँगी इसमें चिकन जो हमने बना के रखी थी पहले। चिकन भी मैं इसमें अच्छी तरह से पूरे पिज़्ज़ा पे फैला दूँगी, ये जो हमने नूडल्स का पिज़्ज़ा ब्रेड बनाया है। और अब मैं इसमें डालूँगी वेजीज़। मेरे पास हैं शिमला मिर्च और प्याज, आप इसमें अपनी मर्ज़ी की वेजीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव्स, मशरूम वगैरह जो आपके बच्चों को पसंद हो। और अब मैं इस पर दोबारा से चीज़ डालूँगी। अच्छी तरह से लोडेड चीज़ का पिज़्ज़ा बनेगा ये, क्योंकि बच्चों को तो चीज़ बहुत पसंद होती है। और इसको मैंने अच्छी तरह से मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल दी है। अब मैं इसको रख रही हूँ चूल्हे पे और इसको मैं ढक दूँगी 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद अब देखते हैं इसे, अल्हम्दुलिल्लाह जी चीज़ मेल्ट हो चुकी है और हमारा पिज़्ज़ा पूरा तैयार है। ये देखें बटर साइड से निकल आया है। और अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये जी शानदार सा, बहुत मज़ेदार सा, डिफरेंट सा ये है नूडलिज़ा। इसको बनाएं और बच्चे आपके बहुत खुश होंगे इसको एक चेंज सा पिज़्ज़ा देख के।
और क्योंकि नूडल्स और पिज़्ज़ा दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, जब दोनों एक साथ मिल जाएं तो वाह जी क्या बात है। तो चले ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हों तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएँ बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।